हाय दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी चने की दाल के कोफ्ते। इसके लिए मैंने चने की दाल 1 कप ली है, थोड़े से मैंने आलू लिए हैं, इसे हमने छील लिया। दोनों को हमने कुकर में डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, सीटी लगा दिया। हमने मसाले तैयार कर, जीरा मिर्च सौंफ लिए, लाल थोड़े से अदरक लिया, लाल मिर्च और लहसुन लिए। इन सबको मिक्सर में बारीक पीस लेते हैं। देखिए आलू और दाल हमारे ठंडे, आलू को गिलास से मसल लेते हैं और दाल को मिक्सर में बारीक पीस लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, फिर मसालों को ऐड कर लेते हैं। 1 चम्मच हमने धनिया डाला है, 1 चम्मच हमने डाला है मैं लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक। ये सबको अच्छे से हम मसालों को भून लेते हैं। मसालों में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और उसमें अच्छे से हम भूनने जाते हैं। जब तक मसाले हमारे भून रहे, कोफ्ते हम तैयार कर लेते हैं। देखिए हमें गोल गोल करके इसको फ्राई कर लिया है सारे कोफ्तों को। कोफ्ते हमारे सारे तैयार हो गए हैं। अब हम मसालों में पानी ऐड कर लेते हैं, उसको अच्छे से हम पकने देते हैं। हमने 2 कप पानी डाला है, इसे अच्छे से बॉयल होने देते हैं। मसाले अच्छे से हमारे भुन गए, पानी इसमें अच्छे से हम पक गए, अपने कोफ्तों को ऐड कर लेते हैं। बहुत ही लाजवाब बना है हमारे चने के कोफ्ते, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा करी कोफ्तों को। बहुत ही इजी, बहुत ही लाजवाब बना है। वीडियो पसंद लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अपने कोफ्तों को डाल के 1 मिनट पका लेते हैं। थैंक यू दोस्तों।